पुतिन को आप पूरा यूक्रेन चाहिए और इससे कम में वो मानने वाला नहीं। ये इरादा पुतिन ने पूरी दुनिया को बता दिया है। ये जंग बहुत बड़ी होने जा रही है क्योंकि रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता और वही अमेरिका पूरे यूरोप में रूस का वर्चस्व खत्म कर देने पर आमादा है। यूरोपियन यूनियन रूस पर आर्थिक प्रतिबंध तो लगा रहा है लेकिन तेल और गैस भी रूस से ही खरीद रहा है। मतलब साफ है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ में भी एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसने जंग के मायने ही बदल दिए हैं। यूक्रेन जंग 150 दिन की कहानी। अमेरिका की कूटनीति, ज़ेलेंस्की की रणनीति, यूरोप झुकने को तैयार, पुतिन का प्लान कामयाब। जंग की इनसाइड स्टोरी द यूक्रेन फाइल्स। साम दाम भेद और दंड, रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिन से जारी जंग का विश्लेषण किया जाए तो बस यही निकलता है। रूस और यूक्रेन के बीच 5 महीने से जारी जंग वास्तव में वर्चस्व की जंग है, जो हकीकत में रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जा रही है। फरवरी 2022 से जारी ये जंग कूटनीति की जंग भी है। यूक्रेन जंग पूरी दुनिया को अपने जंजाल में लपेट लेगी, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया यूक्रेन जंग की आंच महसूस कर रही है। 150 दिन की जंग के बाद आज की तारीख में दुनिया ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से इस जंग का दायरा और बड़ा और बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। और ये हम नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने इस जंग का ठीकरा अमेरिका और यूक्रेन मदद कर रहे यूरोपीय देशों के सर पर फोड़ते हुए इसका ऐलान किया। По мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже Резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили, ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней. के विदेश मंत्री के इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना जारी रखते हैं तो रूस यूक्रेन में चल रहे विशेष अभियान के लक्ष्य में बदलाव कर इसे और आगे बढ़ा सकता है, यानी रूस अपने कुछ पड़ोसी देशों पर भी हमला कर सकता है। दरअसल रूस का आरोप है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जिस तरह से जंग में यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। अब रूस के विदेश मंत्री के इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि उनका ये बयान महज एक बयान नहीं है बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन पर एक ऐलानिया संगीन आरोप है। खतियत,
коллеги, британские коллеги, в общем-то, это англосаксонская такая штука при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов. Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, англичанам это выгодно, потому что они сидят там за проливами, за океанами, они далеко. Экономика страдает прежде всего европейская. आइए अब आपको ये समझाते हैं कि ये जंग मैदानी जंग से दूर कूटनीतिक मोर्चे पर कैसे लड़ी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका यूरोप में, खासकर दक्षिणी यूरोप में, नेटो के जरिए अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इसलिए यूक्रेन की जंग उसके लिए फायदे का सौदा है और वो यूक्रेन युद्ध में रूस को पूरी तरह से उलझा कर रखना चाहता है। अमेरिका जानता है कि ये जंग पुतिन के लिए फायदे का सौदा कतई नहीं है, लिहाजा यूक्रेन के साथ जंग जितनी लंबी खिंचेगी रूस को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका एक मजबूत रूस के वजूद को कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो यूक्रेन को पैसा और हथियार सप्लाई कर उसकी मदद कर रहा है। United States is also committed to sending more HIMARS munitions, precision guided artillery ammunition and tactical vehicles and other urgently needed support. And we'll continue to provide historic levels of security assistance to help Ukraine defend itself. And later this week, we'll roll out our next presidential drawdown package of weapons, ammunition, and equipment for Ukraine. आइए अब आपको यूक्रेन जंग के दूसरे कूटनीतिक मोर्चे पर खड़े रूस का रुख भी समझाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जानते हैं कि अगर अमेरिका नेटो के जरिए दक्षिणी यूरोप में घुस गया तो ये रूस की सबसे बड़ी हार होगी, लिहाजा उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान ना कर बल्कि यूक्रेन पर हमले को स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया और 5 महीने की जंग के दौरान यूक्रेन का नक्शा ही बदल दिया। अब जरा गौर से यूक्रेन के मैप को देखिए। स्क्रीन की बाईं तरफ यूक्रेन का 2014 का मैप है और स्क्रीन की दाईं तरफ आज की यूक्रेन का नक्शा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। 2022 में वो यूक्रेन के 20% इलाके पर काबिज है। यूक्रेन के साल 2022 के मैप पर लाल रंग का एक चौथाई चांद नुमा हिस्सा ही वो इलाका है जिस पर रूस कब्जा कर चुका है। आइए अब आपको यूक्रेन के मैप पर ये दिखाते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। पहला लुहांस्क, दूसरा डोनेट्स्क, तीसरा खेरसों, चौथा क्राइमिया। यूक्रेन जंग के दौरान रूस जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं, ये बात भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव साफ कर चुके हैं। उनका कहना है कि जंग के पहले हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। В Стамбуле была встреча переговорщиков. Там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас... То есть ДНР, ЛНР? Ну, так, если... Более-менее. Более-менее. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР. Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво. Аб рус ке видеш мантри ка е баян элан нахи, то ор кя хе? Джиска саф сиде лавзо ме е матлаб никалта хе, ке жанг ке дауран рус Юкрейн ке джин бхи илаку пар кабза карта джаега, во аб यूक्रेन के नक्शे में नजर नहीं आएंगे।
आइए अब आपके सामने यूक्रेन जंग के सबसे अहम और दूसरे पहलू यानी कूटनीतिक मोर्चे को भी साफ किए देते हैं। जंग की शुरुआत में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के लिए कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन वो ये